वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम सितंबर के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सितंबर के थर्ड वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने अनअकैडमी पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ओजोन दिवस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है ओजोन, तो हमारे वायुमंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आप जानते हैं वायुमंडल में पांच परतें हैं। कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये पांच परतें हैं हमारे वायुमंडल में। इनमें से जो दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें पाई जाती है ओजोन परत। और हिंदी में कहें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वहन मंडल, ये पांच परतें हैं, जिसमें समताप मंडल में यानी कि दूसरी वाली परत में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत करती क्या है? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो परावैगनी किरणें होती हैं वो बॉडी पर अगर पड़ती हैं तो स्किन कैंसर होता है, तो परावैगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। तो ये आप याद रखिए, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। अब सितंबर का महीना है तो सितंबर में कौन कौन से इंपोर्टेंट डे आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये आप याद रखिए। उसके बाद यही आता है ओजोन दिवस 16 सितंबर। उसके बाद आता है 27 सितंबर, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस। और उसके बाद आता है 28 सितंबर, 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? रेबीज डे। तो ये कुछ सितंबर के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतरजली रोबोटिक ड्रोन लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? तो अभी हाल ही में भारत ने पहला अंतरजली रोबोटिक ड्रोन लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है आई रॉब टूना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपने ड्रोन देखे होंगे जो हवाई जहाज होते हैं उनके ट्रैक करते हैं, लेकिन ये अंतरजली पहला रोबोटिक ड्रोन है जो इंडिया ने लॉन्च किया है। ये समुद्र के अंदर जो सबमरीन होती हैं, जो शिप होते हैं, उनको ट्रैक करेगा, तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है आई रॉब टूना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पेट पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला पेट पार्क स्थापित किया गया है हैदराबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही है। जैसे हम लोगों के लिए पार्क होता है उसी तरह से जो हमारे पेट हैं यानी कि जो पालतू जानवर हैं उनके लिए पार्क बनाया गया है, और ये कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में। तो ये भारत का पहला पेट पार्क है और हैदराबाद में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए नई वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए नई वेबसाइट का उद्घाटन किया है हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। इसका नाम भी मैंने आपको बताया था, अगर मॉर्निंग में उठकर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे करंट अफेयर्स वाली, तो आपको पता होगा क्या कौन सी वेबसाइट थी, www.प्रवासीभारतीयदिवसindia.gov.in। क्या थी? www.pbdindia.gov.in। ये 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की गई है और इसे सुषमा स्वराज और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर लॉन्च किया है। अब यहाँ पे एक और टर्म आया है प्रवासी भारतीय दिवस, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अच्छा, 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इस पर क्यों इतना जोर दिया जा रहा है? क्योंकि ये मनाया जाएगा वाराणसी में। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो इसलिए इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस इंपॉर्टेंट है। और इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस पर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर
प्रवीण कुमार जगनौत मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। तो इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने किस देश के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि जेएमई सागर माथा फ्रेंडशिप 2018 आयोजित किया है? तो ये नेपाल ने चीन के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सागर माथा फ्रेंडशिप 2018 आयोजित की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो मैंने हाईलाइट करके सागर माथा फ्रेंडशिप 2018 लिखा है, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो नाम भी आपको याद रखना है। इसका दूसरा नाम है माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज 2018। तो दोनों में से किसी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप दोनों नाम याद रखिए। नेपाल और चाइना के बीच की ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका नाम है सागर माथा फ्रेंडशिप 2018 और दूसरा नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज 2018। दोनों नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौताज मौसा अब्दुल्ला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मौताज मौसा अब्दुल्ला सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है मौताज मौसा अब्दुल्ला और ये अभी सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जब ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो इस सूडान के बारे में डिटेल में बताया था। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ रिप्लाई करिए। पहले आप मैप में देखिए, ये है सूडान। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सूडान की करेंसी है सूडानी पौंड और सूडान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? यही बने हैं मौताज मौसा अब्दुल्ला। तो इतना आपको सूडान के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायल एफआईआर लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये डायल एफआईआर एक नई योजना लॉन्च की है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके लिए मैंने एक अलग से ऑडियो भी बनाया था। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी मैं अलग से ऑडियो बनाकर टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं, जिससे कि आपको उस पूरे टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। तो डायल एफआईआर के बारे में मैंने अलग से एक ऑडियो बनाया था, अगर आपने वो ऑडियो नहीं सुना है तो उसे आप हमारे टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके सुन सकते हैं। और जितने भी टॉपिक हैं सबकी मैं ऑडियो बनाता हूं, तो ऑडियो आप जरूर सुना करें। इसकी लिंक मैं एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी सुन सकते हैं। डायल एफआईआर एक्चुअल में है क्या? जैसे पहले क्या होता था, आप थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराते थे। अब अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप डायल मतलब कॉल करके भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल छात्रावास कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है मुंबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। थर्ड जेंडर को भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी, इसके बाद ये पहला जेंडर न्यूट्रल छात्रावास खोला गया है मुंबई में। और मुंबई में भी कहाँ खोला गया है? टिस में, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में ये पहला जेंडर न्यूट्रल छात्रावास खोला गया है। तो ये आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डम्बुला गोदाम MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये डम्बुला गोदाम MOU पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने श्रीलंका के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये डम्बुला गोदाम है क्या? तो इसमें जो हमारे फल और सब्जियां होती हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। तो ये भारत और श्रीलंका ने मिलकर इसको खोलने की योजना बनाई है। अब श्रीलंका का नाम आ गया तो श्रीलंका के बारे में वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। पहले आप मैप में देखिए, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे, दो कैपिटल है। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरिसेना। तो इतना आपको श्रीलंका के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बंदरगाहों का उपयोग भारत को करने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने अपने दो बंदरगाहों का उपयोग भारत को करने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश में जो दो बंदरगाह हैं उनका उपयोग करने का परमिशन भारत को मिल गया है। जो भारत के बॉर्डर से लगे हुए बंदरगाह हैं उनमें से दो बंदरगाहों का उपयोग भारत को करने की परमिशन दे दी है बांग्लादेश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा वीकली वीडियो है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पूरा आपका रिवाइज कराने की कोशिश है, इसीलिए मैं ये वीकली वीडियो बनाता हूं। और अब
मंथली भी वीडियो भी मैं बनाया करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर एक मंथली वीडियो भी आप बना दिया करिए, तो पूरे मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करेंगे उसका मैं एक वीडियो लास्ट में बना दिया करूंगा, मंथ के लास्ट में। और ये हर वीक का एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, यानी कि डेली करंट अफेयर्स आप जरूर देखिए, उसके बाद रिवाइज करने के लिए आप वीकली और मंथली वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभी हाल ही में वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को कौशल भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जब ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो बताया था कि कौशल भारत मिशन क्या है, तो ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं जैसे हथकरघा हुआ, इन सबको मिलाकर बनाया गया था एक कौशल भारत मिशन, जिससे कि ये छोटे छोटे उद्योग हैं इनको बल मिल सके, यानी कि इनको प्रोत्साहन मिल सके, इसीलिए ये कौशल भारत मिशन योजना लॉन्च की गई थी और इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की है जर्मनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च कर दी है। अच्छा, ये हाइड्रोजन संचालित क्यों लॉन्च की? ये कम से कम प्रदूषण करेगी, इसलिए ये लॉन्च की है जर्मनी ने। अब जर्मनी ने लॉन्च की है तो आप मैप में देख लीजिए, ये है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो, और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी की प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? तो एंजेला मर्कल है जर्मनी की प्रेजेंट टाइम पे चांसलर। इनका नाम आप जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जर्मनी की चांसलर कौन है, तो एंजेला मर्कल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कमलेश नीलकांत व्यास को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न 2018 के विजेता कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 मिला है विराट कोहली और मीराबाई चानू को। दोनों नाम आप याद रखिए, दो लोगों को मिला है इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, विराट कोहली और मीराबाई चानू को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें विराट कोहली मैंने ऑप्शन में लिखा है तो इसका आंसर विराट कोहली होगा। वैसे दो लोगों को मिला है तो दोनों के नाम आप याद रखिए, विराट कोहली और मीराबाई चानू। ये जितने भी अवार्ड हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ये जितने भी अवार्ड हैं इनके भी मैंने ऑडियो बना दिए हैं, इनके भी ऑडियो आप सुन सकते हैं, जिससे कि आपको हर अवार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक एक अवार्ड के बारे में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया उन ऑडियो में, तो आप ऑडियो सुन लीजिए। एक्चुअल में ऑडियो क्या होता है, ऑडियो जल्दी बन जाता है और आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी ऑडियो बना देता हूं मैं, और वो ऑडियो बनाकर टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPPB ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। IPPB अभी चर्चा में रहा है तो इसके बारे में आप याद रखिए, IPPB क्या है, ये एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और इसको अभी हाल ही में पूरे देश में लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब इसने क्या किया है, सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना स्तर का अभ्यास एविया इंद्र 2018 भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? तो ये वायुसेना स्तर का अभ्यास है एविया इंद्र 2018 और इसे भारत ने रूस के साथ शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रूस के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि रूस के बारे में पूछा जाता है, इसीलिए जब भी रूस का नाम आता है मैं आपको बताता हूं। ये वीकली वीडियो है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आप मैप में देखिए, ये है रसिया, रसिया की कैपिटल है मॉस्को, रसिया की करेंसी है रशियन रूबल, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दमित्री मेदवेदेव। और एक क्वेश्चन और बनता है कि रसिया की संसद का नाम क्या है, तो रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। ये चीजें इसी तरह आपको याद हो जानी चाहिए, जिस तरह मैं आपको बताता हूं और जैसे मुझे याद है, मेरी कोशिश है सेम वैसे ही आपको याद हो जाएं, लेकिन ये याद तभी होंगी जब आप डेली मॉर्निंग में उठकर करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे। अगर आप कंटिन्यू देख रहे होगे तो आपको अपने अंदर चेंज दिखाई देगा,
आपको खुद अपने अंदर चेंज दिखाई दे रहा होगा, आपको बहुत सारी चीजें याद हो गए होंगी। बस करना इतना है कि मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेनी है। उससे होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये आपको पता चलता रहेगा, और कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले करंट अफेयर्स वाली वीडियो जरूर देखिए। मैं डेली 4 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुदर्शन पटनायक को उड़ीसा ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही है सुदर्शन पटनायक। ये रेत पर बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां बनाते हैं और इसीलिए इन्हें उड़ीसा ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामरिक मिसाइल प्रहार का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो अभी हाल ही में एक सामरिक मिसाइल प्रहार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है DRDO ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसका परीक्षण DRDO ने किया है, तो DRDO की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। DRDO में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक DRDO की फुल फॉर्म और दूसरा DRDO का मोटो। वैसे मैंने आप पूरा DRDO के बारे में बताया, लेकिन ये दो चीजें मेन है। एक तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा क्या है, DRDO का मोटो। DRDO का मोटो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है, और इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। ये है DRDO का मोटो। इतना आप DRDO के बारे में याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी गई है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मिता पाटिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अभी हाल ही में स्मिता पाटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी स्मिता पाटिल पुरस्कार क्या है, स्मिता पाटिल एक अभिनेत्री थी और बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, स्मिता पाटिल पुरस्कार। और इस बार का स्मिता पाटिल पुरस्कार मिला है अनुष्का शर्मा को। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट जो मैंने वीकली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2019 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर IndreshRC इंस्टाग्राम पे IndreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा सितंबर के 3rd वीक का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।